तो दोस्तों आज की जो वीडियो इस आपको बताऊंगा, आपने इंस्टाग्राम होता है उस पर जो है एक न्यू प्रॉब्लम आ रही है जिसका नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे आप अपने इंस्टाग्राम को लॉगिन करते हो, लॉगिन तो सही से हो जाता है, मतलब लॉगिन हो जाता है और उसके बाद उसमें पहले तो आता है कैंट रिफ्रेश फीड, जो कि अभी आप साइड में देख सकते हो, इस तरीके से जो है वहाँ पर शो होता है। और उसके बाद अगर हम जो है किसी भी, जैसे हम ट्रिक लगाते हैं या फिर कोई भी आपको ट्रिक बताता है यूट्यूब पर या फिर कहीं भी कि आप ऐसा करो तो आपका जो कैंट रिफ्रेश फीड का जो प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब फीड रिफ्रेश नहीं हो रही है, तो वो सोल्व हो जाएगी। तो जैसे हम किसी पर भी क्लिक करते हैं, तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिखा आ चुका है एन अनएक्सेप्टेड एरर ओक्यूरेट। तो अगर आपके इसमें भी इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है इंस्टाग्राम में, तो आज की जो वीडियो इसमें आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम का सोल्व कर सकते हो, मतलब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हो और इस प्रॉब्लम को किस तरीके से आप सही कर सकते हो, आज की वीडियो आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित, फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, क्योंकि अभी जो है मेरे पास भी बहुत सारे इंस्टाग्राम पर डीएम आ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है और बहुत सारे लोगों की मैंने सोल्व भी की है और वही तरीका मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मैंने सोल्व की है। और ये जो है आपकी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास अभी जो है ये प्रॉब्लम चल रही है और इसका आप सॉल्यूशन भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको क्या करूँगा, सबसे पहले तो आपको बेसिक ट्रिक बताऊँगा जो कि आपको कर लेनी है अपने मोबाइल में, ताकि आपके जो है ये प्रॉब्लम सोल्व करने में आपको हेल्प मिले। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि अपने इंस्टाग्राम पर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, यूट्यूब पर भी वीडियो देखकर टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर पर, प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको जो है इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेना है, अगर आपको इंस्टाग्राम अपडेट नहीं है तो। और अगर यहाँ पर अपडेट है तो आपको क्या कर देना है, जैसे अपडेट नहीं है तो आपको क्या कर देना है, सबसे पहले तो अपडेट कर देना है, उसके बाद जो है मैं जो भी ट्रिक बताऊंगा उसको फॉलो कर देना है। और यहाँ पर जो है अगर अपडेट है, आपने पहले से अपडेट कर रखा है फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको क्या करना है, आपको इंस्टाग्राम पर क्लिक करके रखना है या फिर मोबाइल की सेटिंग में जाना है, वहाँ पर आपको जो है ऐप्स में चले जाना है। ऐप्स में जाने के बाद आपको जो है इंस्टाग्राम का जो है क्लियर डाटा और क्लियर कैश कर देना है, मतलब ऐप्स में जाओगे वहाँ पर आपको जो है इंस्टाग्राम सर्च कर देना है, इंस्टाग्राम सर्च करोगे तो वहाँ पर इंस्टाग्राम दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है और स्टोरेज में चले जाना है। स्टोरेज में जाओगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, क्लियर कैश और क्लियर डाटा। तो सबसे पहले आपको जो है क्लियर कैश कर देना है, उसके बाद जो है क्लियर डाटा कर देना है, ये जो दोनों काम है आपको कर लेने। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो है अपने मोबाइल का इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लेना है, अगर आप सही से वर्क नहीं कर रहा है लाइट मोड ऑन करके ऑफ कर देना है, उससे क्या होगा आपका जो इंटरनेट है वो सही से वर्क करने लगेगा। अब आपको क्या करना है, आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर आपको जो है जैसे आज ही आपने ट्रिक अप्लाई की, मतलब आप आज ही आप चाहते हो कि आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है इसमें ये प्रॉब्लम नहीं हो, तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मैं क्लियरली यहाँ पर बोल रहा हूँ कि आपको जो है कुछ समय का वेट करना पड़ सकता है, इसके लिए 1 से 2 दिन या फिर 2 से 3 दिन। और आपको क्या करना है, आपको जैसे आपको फ़ोन है उसमें जो है ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको एक और दूसरा फ़ोन ले लेना है अपने किसी भी घर में हो उसका, और उसके इसमें इंस्टाग्राम को लॉगिन कर देना है, अपने आईडी को लॉगिन करने के बाद आपको 2 से 3 दिन उसी के इसमें लॉगिन रखनी है। और जैसे यहाँ पर आप क्या करोगे, इसे लॉगिन की, लॉगिन करने के बाद क्या होगा कि वहाँ पर जो है थोड़ी टाइम तो चलेगा वो इंस्टाग्राम और कैंट रिफ्रेश फीड बताएगा, उसके बाद क्या होगा कि वहाँ पर जो एक प्रोसेसिंग होने लगेगा, मतलब लोडिंग होने लगेगा। यहाँ पर साइड में आप देख सकते हो अगर ऐसे लोडिंग हो रहा है तो आपको क्या करना है, आपको इसको कट नहीं करना है, इसको लोड होने देना है। और जैसे ये लोड होगा तो कभी कभी ऐसा एरर आपको देखने को मिल जाएगा, पर कोई बात नहीं, उसको कट कर देना है, फिर से आपको जो है लोड होने देना है। और जैसे ही लोड होगा यहाँ पर जो है कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको जो है कंफर्मेशन का कोड डालने के लिए बोलेगा ये, तो आपको जो है अपने मोबाइल नंबर पर कोड सेंड कर देना है। अगर कोड सेंड नहीं हो रहा है, आपने सेंड करके देख लिया है, तो आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन देखने को मिलता है अपडेट मोबाइल नंबर, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अपडेट मोबाइल नंबर पर आपको क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद आपको जो है 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालने का दिखेगा और यहाँ पर जो है आपके कंट्री कोड दिखेंगे। तो हमारे जो इंडिया के कंट्री कोड है वो है +91, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको जो है अपने मोबाइल का नंबर डाल देना है जो कि आपकी इंस्टाग्राम आईडी में हो, और वहाँ पर कोड सेंड कर देना है। कोड सेंड होते हैं आपके जो SMS आ जाएगा मोबाइल पर, उसको जो है वहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको जो है पेस्ट कर देना है। पेस्ट होने के बाद आपको जो है यहाँ पर क्लिक कर देना है नेक्स्ट पर। जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो आपके सामने कुछ समय का प्रोसेसिंग लेगा और आपकी जो आईडी है वो बिल्कुल ही सही से वर्क करने लगेगी कि वहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। इस वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ कि आपको जो है वेट करना पड़ सकता है, फालतू की ट्रिक नहीं लगाओ, और फालतू की ट्रिक से क्या होगा आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको जो है मतलब सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। उसके लिए मैं यहाँ पर आपको क्लियर बोल रहा हूँ कि आपको जो है थोड़े समय का वेट करना पड़ सकता है इसके लिए, पर आपकी जो आईडी है वो सही हो जाएगी इस तरीके से। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा आप अपने इंस्टाग्राम के अनएक्सेप्टेड एरर की जो है प्रॉब्लम आ रही है उसको आप किस तरीके से सोल्व कर सकते हो। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना। और चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।